हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले गैस में रखेंगे एक कढ़ाही। गैस को ऑन करके लो मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल, एक टेबल स्पून के आसपास। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे एक चौथाई स्पून से कम अजवाइन, 5-6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 पिंच हींग। अब लहसुन को थोड़ा सा पकने देंगे। अब लहसुन थोड़ा सा पक गया है, अब इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च। मिर्च को भी आधा मिनट के करीब पकने देंगे। आधा मिनट हो गए हैं, मिर्च पक गई है। अब इसमें डाल देंगे हरे मटर के दाने 3 कप। 1 कप डालने के बाद थोड़ा सा पहले मिक्स कर देंगे। ये 2 कप, ये 3 कप। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 स्पून से कम हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून धनिया पाउडर। और सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। बीच बीच चलाते रहेंगे जिसे अच्छे से पक जाए। गैस को लो फ्लेम में ही रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मटर को देख लेते हैं। इसको मैंने 2-3 बार बीच बीच चला दिया था जिससे बराबर से पक गई है। एक दाना चेक कर लेते हैं, गर्म है अभी, थोड़ा सा संभाल के करना है। देखिए, अब गैस को ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद 2-3 मसाले और इसमें डाल देंगे जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाए। 1/4 स्पून से कम काली मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून से कम चाट मसाला, 2-3 पिंच अमचूर पाउडर। आप खट्टा पसंद करते हो तो अमचूर पाउडर डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए जितना तीखा खाते हो। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खाने का मन करने लगा। एक बार मेरे तरीके से आप मटर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अब सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसमें डाल देंगे थोड़े से धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते डाल के भी मिक्स कर लेंगे। अब धनिया के पत्ते भी मिक्स हो गई है, अब ये मसाला मटर तैयार है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। इसको आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए, मज़ा आ जाएगा। ये मसाला मटर तैयार है, आप लोग मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।